रूस में चल रहे फीफा वर्ल्ड कप 2018 में रविवार को मेक्सिको ने बड़ा उलटफेर करते हुए वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही जर्मनी को 1-0 से हरा दिया। रविवार को 3 मैच खेले गए। पहला मैच समारा अरीना में कोस्टारिका और सर्बिया के बीच खेला गया, जिसे सर्बिया ने 1-0 से जीत लिया। सर्बिया की तरफ से गोल करने वाले उसके कप्तान अलेक्सेंडर कोलारोव मैन ऑफ द मैच रहे। दूसरा मैच लुझ्निकी स्टेडियम में जर्मनी और मेक्सिको के बीच खेला गया। मैच में मेक्सिको ने बड़ा उलटफेर करते हुए जर्मनी को 1-0 से हरा दिया। ये लगातार तीसरा वर्ल्ड कप है जिसमें मौजूदा चैंपियन जर्मनी अपना शुरुआती मुकाबला जीत नहीं पाई है। जर्मनी के खिलाफ गोल करने वाले मेक्सिको के फॉरवर्ड खिलाड़ी हर्विंग लोजानो को मैन ऑफ द मैच चुना गया। तीसरा मैच रोस्टोव एरिना में ब्राज़ील और स्विट्ज़रलैंड के बीच खेला गया। ये मैच 1-1 से ड्रॉ रहा और ब्राज़ील के मिडफील्डर खिलाड़ी फिलिप कुटिन्हो को मैन ऑफ द मैच चुना गया। पिछले 40 साल में ब्राज़ील वर्ल्ड कप में पहली बार अपना शुरुआती मुकाबला जीत नहीं पाई है।